नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तान के पेशावर में अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और घायलों का उपचार किया जा रहा है। बीजेपी सांसद ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, जहां ध्वनिमत के साथ ओम बिड़ला के नाम का नए स्पीकर के तौर पर प्रोटेम स्पीकर ने ऐलान किया। पीएम मोदी और राहुल गांधी नए स्पीकर को उनके आसन तक ले गए। केंद्र सरकार और विपक्ष के कई नेताओं ने इस दौरान ओम बिड़ला को बधाई दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सांसद ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि हमें विश्वास है कि विपक्ष को बोलने की अनुमति देकर, हमें भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देकर, आप भारत के संविधान की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं एक बार फिर आपको और सदन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने चुनाव जीता है। ओम बिड़ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि उनकी अध्यक्षता में 18वीं लोकसभा देश के नागरिकों के सपनों को सफलतापूर्वक पूरा करेगी। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चीनी राजदूत सू फिहोंग से मुलाकात की और भारत चीन संबंधों के साझा हितों पर जोर देते हुए कहा कि स्थिरता और प्रगति की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा जयशंकर ने अलग बैठक में न्यूजीलैंड, कुवैत और श्रीलंका के राजदूतों से भी बातचीत की। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में बेहिसाब लंबित मामले को लेकर बहुत चिंतित हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत चलेगी। उन्होंने सभी नागरिकों और वकीलों से अपील की कि वह मामले के जल्द निपटारे के लिए उस सुविधा का आधिकारिक लाभ लें। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए इस आरोप को निराधार बताया कि भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि को वर्ष 2026 से आगे बढ़ाने के फैसले को लेकर राज्य सरकार के साथ कोई विमर्श नहीं किया गया है। यूजीसी नेट सहित कई परीक्षाओं के अचानक से रद्द या फिर स्थगित होने से परेशान छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें इन परीक्षाओं के लिए अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि इन परीक्षाओं को जुलाई अगस्त तक कराने की योजना पर काम शुरू हो गया है, जहां केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एनटीए के नए महानिदेशक बने प्रदीप खरेला ने इस पर प्राथमिकता से काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को कैबिनेट से हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसके चलते अब सूबे में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। बिहार में सरकारी स्कूल टीचर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पहले के पाठक और अब नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का विरोध शिक्षक कर रहे हैं। इस बार शिक्षक 25 जून से लागू हुए ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम को लेकर विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पोर्टल में कई खामियां हैं, जिसकी वजह से अटेंडेंस मार्क करना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति घोटाले में रिमांड लेने की कोशिश कर रही सीबीआई ने राव रेवेन्यू कोर्ट में कई दलीलें रखी है। इस दौरान सीबीआई ने यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने मामले में सारा दारोमदार मनीष सिसोदिया पर मढ़ा है और इनका कहना है कि निजीकरण का आइडिया मनीष सिसोदिया का ही था। श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरमंदिर साहिब में फिल्म प्रमोशन करने वाले कलाकारों पर रोक लगा दी है। इससे पहले गोल्डन टेंपल में फोटो और वीडियोग्राफी पर भी बैन लग चुका है। श्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से कहा गया है कि श्री दरबार साहिब आस्था का केंद्र है, इसे प्रमोशनल स्थल ना बनाएं। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों और आपातकाल सत्याग्रहियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अभी प्रदेश में मानसून आने में 2 दिन बाकी है, लेकिन मौसम विभाग ने आज ही प्रदेश के कई जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है।
झारखंड सरकार ने आम जनता के लिए नई योजनाएं शुरू करने का आदेश दे दिया, जिससे कि लोगों को फ्री इलाज, रसोई गैस पर सब्सिडी आदि जैसी चीजों के लिए परेशानी नहीं आएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण के समीक्षा के दौरान इस योजना को जल्द शुरू करने के लिए आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के आरंग में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद हुई कार्रवाई को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने राजधानी रायपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि इसमें गौसेवकों की गिरफ्तारी हुई है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर गिरफ्तार हुए कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित कैन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री की ओर से स्वीकृति मिल गई है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल तथा राज्य मंत्री वी सोमन्ना और राजभूषण चौधरी से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंस गया है। एक दशक से कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिस डेप्ट ट्रैप की तरफ इशारा कर रहा है, वह अब हकीकत बन चुका है। आलम यह है कि नए वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के बाद हिमाचल सरकार के लिए कर्मचारियों का वेतन देना चिंता का विषय हो गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर 2020 में वकील बाबर कादरी पर हुए घातक आतंकवादी हमले की साजिश रचने का आरोप लगा है। भट्ट ने 1993 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली शाह गिलानी गुट के गठन का नेतृत्व किया था। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए की कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में से एक की पहचान इसी के पूर्व महाप्रबंधक अमित कुमार धर के रूप में हुई है। अन्य 2 कोयला व्यापारी हैं जिनकी पहचान केंद्रीय एजेंसी द्वारा अभी तक उजागर नहीं किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीते महीने हुए होर्डिंग्स हादसे में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आईपीएस अधिकारी केसर खालिद को बर्खास्त कर दिया है। आईपीएस केसर खालिद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के कमिश्नर के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। आरोप है कि आईपीएस खालिद ने बिना डीजीपी कार्यालय की मंजूरी के होर्डिंग लगाने की मंजूरी दे दी थी। गुजरात सरकार द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान देने के लिए मार्च में शुरू की गई 2 योजनाओं के तहत लगभग अब तक 4.37 लाख लड़कियों ने पंजीकरण कराया है। राजस्थान के खैरथल तिजारा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 10 अन्य लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आग किस कारण से लगी, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। मानसून के आते ही अक्सर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं लोगों को अपना शिकार बना लेती है। इस दौरान छींके आना, आंखों में खुजली और कंजेशन जैसी समस्याएं कई लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में इस मानसून में अपनी डाइट में सैल्मन, चिया सीड, अलसी और अखरोट जरूर शामिल करें। इसके सेवन से एलर्जी दूर रहता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से विभिन्न पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसे 18 जुलाई तक केवल ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।